काजी कश्मीर का लकब दिया था आपके वजीर आजम ने। सुभान अल्लाह। मैं आपके इस खूबसूरत शहर खूबसूरत गांव में हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई कश्मीरी बहने बुजुर्ग हमारे उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है, लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। हमारी यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है अक्वामे मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक्वामे मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नजरों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को कहाँ से फायर आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब मैं यहाँ पे आया हूँ। 50-60 दिन से मैं पूरे पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, रमजान का महीना भी है और मैं बहुत मुश्किल जगहों पे घूम फिर के आ रहा हूँ। मुझे आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा है, छोटा सा राशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आता रहूंगा, क्योंकि क्या पता अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जमीन दे दी तो मैं यहाँ घर भी बना लूंगा। हम लोग रहते तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि हमारी दिल की धड़कनें, हमारी दुआएं सब हर वक्त आपके साथ है। जो काम आप लोग मिल के फौज के साथ कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे, हमारे खानदान वहाँ पे आराम से सो रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से, और इंशाल्लाह आप लोगों की कुर्बानियाँ जाया नहीं होंगी। आप लोगों ने इसी तरह पाक फौज का साथ देना है, इंशाल्लाह हमने अपना पूरा हिस्सा डालना है। ठीक है जी।
यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है अक्वामे मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक्वामे मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नजरों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को कहां से फायर आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब मैं यहाँ पे आया हूँ। 50-60 दिन से मैं पूरे पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, रमजान का महीना भी है और मैं बहुत मुश्किल मुश्किल जगहों पे घूम फिर के आ रहा हूँ। मुझे आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा है, छोटा सा राशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आता रहूंगा, क्योंकि क्या पता अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जमीन दे दी तो मैं यहाँ घर भी बना लूंगा। हम लोग रहते तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि हमारी दिल की धड़कनें, हमारी दुआएं सब हर वक्त आपके साथ है। जो काम आप लोग मिल के फौज के साथ कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे, हमारे खानदान वहाँ पे आराम से सो रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से। और इंशाल्लाह आप लोगों की कुर्बानियाँ जाया नहीं होंगी, आप लोगों ने इसी तरह पाक फौज का साथ दिया।